हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से पहले ही ये बता चुकी हूँ कि जो डबल बेंच में स्टूडेंट्स का केस ओवर एज से रिलेटेड चला हुआ था, तो उसको कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है। और ये सब जानकारी मैं आपको पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से दे चुकी हूँ, लेकिन कल मैं ये नहीं बताया कि वो खारिज क्यों किया गया है, क्योंकि जो कोर्ट का डिसीज़न आता है उसे अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है, तो वो रात तक अपडेट हुआ। उसके बाद अब अगर बात करें केस को खारिज करने के रीज़न की, तो जो डिसीज़न आया है उसमें जो है कोई स्पेशल जो फैक्ट है वो ऐसा मेंशन नहीं है जिसे पढ़ के जो है स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हो जाए कि इस रीज़न की वजह से जो है केस खारिज किया गया है। उस पूरे स्टेटमेंट में, यानी कि पूरे डिसीजन में, सिर्फ यही सब बातें हुई हैं कि जो हाई कोर्ट में ये सब केस से रिलेटेड ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद फिर डबल बेंच में ये सब चीज़ें हुई, क्या बहस हुई क्या नहीं, उसमें पूरे डिसीजन में यही सब लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है फाइनली ये लिखा हुआ है कि जो केस है वो खारिज कर दिया गया है। और उसके बाद फिर एक फैक्ट ये लिखा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं अब PIL दायर कर सकते हैं। अगर PIL की बात करें तो PIL का आप सभी को पता है कि PIL जो है वो जनहित में जो है दायर की जाती है, वो कोई भी आदमी उसे पर्सनली अपने हित के लिए दायर नहीं कर सकता है। तो PIL अब देखना ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये PIL दायर करते हैं या नहीं करते हैं। और दायर करने की बात भी की जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास सिर्फ PIL दायर करने के लिए आज की यानी कि 8 अक्टूबर का ही टाइम है, क्योंकि उसके बाद से फिर जो है कोर्ट जो है वो बंद हो रही है। आपको सभी को, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि 8 से 20 तक जो है उसके बीच में सभी दशहरे की वैकेशंस वगैरह हैं कोर्ट की, तो कोर्ट में हियरिंग्स वगैरह नहीं होंगी, तो इस वजह से स्टूडेंट्स के पास सिर्फ आज का ही टाइम है PIL दायर करने के लिए। और अभी तक इससे रिलेटेड भी कुछ नहीं पता चला है कि वो PIL दायर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो PIL दायर करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज़ की जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेके, इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए जो है स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं यही सब बातें आ रही हैं कि उन लोगों को जुडिशियल जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं घुमा रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट में जब कोर्ट जो केस है वो खारिज हुआ, उसका भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रीज़न नहीं मिला। उसके बाद फिर डबल बेंच में जब केस खारिज हुआ, उसका भी कोई सेटिस्फाई मतलब करने वाला कोई फैक्ट या फिर रीज़न सामने नहीं आ पाया है। और अब फिर थर्ड पॉइंट PIL का जो है टॉपिक उठने लगा है, तो अब कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स एक तरीके से ये फील कर पा रहे हैं कि उन लोगों को जुडिशरी के थ्रू जो है वो घुमाया जा रहा है और वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो अब खैर देखिए, अब जो भी कुछ PIL से रिलेटेड जो है कोई न्यूज़ आएगी या फिर ये PIL दायर होती है या नहीं होती है, उस चीज़ की आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी वो वीडियो के माध्यम से जो है आपको बता दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो भी एक संभावित डेट लगी है 20 तारीख, उसका भी कुछ कंफर्म नहीं है। वो 20 तारीख सिर्फ संभावित है, मतलब कि 20 की वो 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, वो तो 20 को ही पता चलेगा जब कोर्ट में केस वगैरह होगा, तो उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब बात करें हम एग्ज़ाम के बारे में, तो काफ़ी जो है वीडियोस वगैरह या फिर काफ़ी ऐसी न्यूज़ फैलाई जा रही हैं कि एडमिट कार्ड आ गए हैं, या एडमिट कार्ड ये इस वेबसाइट पे देखे एडमिट कार्ड आ गए हैं, या उसके एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है। जो अभी फ़िलहाल मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ, इस टाइम अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखें तो अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या फिर कोई भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो है कोई नोटिस जो है बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी रिलीज़ नहीं किया गया। और ये देखिए, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट जो है खोली हुई है, लेकिन इस पे अभी तक कोई जो है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड या एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो इस चीज़ को हम अभी कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और
रही बात 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने की, तो अब जो है चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने के, क्योंकि लगभग लगभग देखा जाए तो अब से शायद 12 ही दिन हैं, 12 भी क्या 11 ही, क्योंकि आज तो 8 तारीख तो हो ही गई है, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड के बारे में या फिर एग्ज़ाम डेट के बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। तो कुछ अब जो है चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट 10 डेज़ या 12 डेज़ पहले एडमिट कार्ड भी नहीं तो एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन तो आना चाहिए था। तो अभी तक UPSI के एग्ज़ाम से रिलेटेड और केसेस से रिलेटेड जो भी कुछ अपडेट थी, बस यही अपडेट थी। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी प्रिपरेशंस में लगे रहिए और इधर उधर की बातों में या फिर नोटिफिकेशंस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता है तो हो जाएगा, नहीं होता है तो और 10-12 दिन के बाद हो जाएगा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सीरियसली लगे रहिए, और आगे की किसी भी इस UPSI एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या फिर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है फेक न्यूज़ से जो है अवेयर रह सकें वो लोग, और उन्हें सही सही अपडेट मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।